सत श्री अकाल, कैसे हाँ तुम? हेलो टू एवरीबॉडी। सो फाइनली आज मैं पैक कर रहा हूँ अपने कपड़ों को। जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा मैस तो हुआ ही है, अभी तो शुरू किया है। सो मैं जाने वाला हूँ मुंबई 5 महीने बाद, एंड 3 महीने बाद नीता को मिलने वाला हूँ। सो आई एम एक्साइटेड टू सी हर। आई मिस्ड हर अ लॉट इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। सो ये साल मैं पहली बार उसको मिलने वाला हूँ, क्योंकि जनवरी से तो देखा ही नहीं उसको। एंड यस, सो अभी पैकिंग कर रहा हूँ, और ये सबसे एक वर्स्ट मुझे लग रहा होता है, क्योंकि डिसाइडिंग व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, कितनी गर्मी होगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ें होती है। सो चलो अभी पैक करते हैं, फिर चलते हैं। और अभी नहीं चलते, परसों फ्लाइट है, बट आज पैक करते हैं। ऐसी चीज़ें जैसे कि अभी, जैसे मुझे ये जैकेट, ऐसा जैकेट बहुत पसंद है, या ऐसा जैकेट बहुत पसंद है, बट सिर्फ मेरे मन में एक चीज़ आती है कि इंडिया में गर्मी ज़्यादा रहती है, सो ऐसे जैकेट तो शायद नहीं पहन पाऊँगा। ज़्यादातर तो जैसे कि टी शर्ट्स या ऐसे नॉर्मल शर्ट्स पहनूंगा, बट फिर भी मुझे लग रहा है एक दो में लेके आता हूँ, जस्ट इन केस शायद पहन लूँ तो पहन लूँ। ये मेरा एक दूसरा सूटकेस बोलने वाला था, दूसरा एक मेरी अलमारी है, नदर वार्डरोब। मुझे लग रहा है सबसे मुश्किल चीज़ डिसाइड करनी होती है कि फॉर्मल्स कौन से लेके जाने, क्योंकि ऑब्वियसली नीता को मैं फॉर्मल्स में ज़्यादा पसंद हूँ। सो ऑब्वियसली आई वेयर मोर शर्ट्स, ब्लेजर्स, सूट्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो जस्ट चूजिंग कौन सी शर्ट लेके जानी चाहिए। वैसे तो ब्लैक एंड वाइट तो मैं बहुत ही ज़्यादा पहनता हूँ, सो ब्लैक एंड वाइट तो लेके जाऊँगा ही जाऊँगा, बट वैसे इंडिया में क्योंकि मुझे लग रहा है लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, धूप ज़्यादा रहती है। सो समटाइम्स आई थिंक समथिंग लाइक दिस, यू नो, समथिंग फंकी और समथिंग लाइक दिस गिव यू चेंज ऑफ टोन, और दिस इज़ व्हाट आई एम गोना वेयर व्हेन आई एम कमिंग। आई डोंट वांट टू शो यू गाइस येट, सो मेक श्योर यू सी माय इंस्टाग्राम टू सी व्हाट आई वो व्हेन आई एम कमिंग, बट आई थिंक डेफिनेटली द वाइट एंड ब्लैक, एंड या मे बी द ग्रीन टू। सो अभी तक मैं तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने सुबह बाल करवाए, फिर टाउन गया, टाउन से दो दो चार चीज़ें ली है, फिर घर पे गया, घर पे चीज़ें रख दी है, और अभी मैंने सोचा एक दो चीज़ें और चाहिए, सो वेस्ट ब्रम जा रहा हूँ। सो बस ट्रैवल 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 चल रहा है आज, जो चीज़ें मैं ले सकता हूँ ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर पैकिंग कंप्लीट करते हैं और फिर हम चलते हैं मुंबई कल सुबह 4 बजे। सुबह को उठना पड़ेगा, सो ये सब शॉपिंग शॉपिंग करके घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ, जैसे जब ऐसे पैकिंग अकेले को करनी होती है, इतनी चीज़ें सब जगह पे, अभी भी सब जगह पे, जैसे कि क्या ही बोलूँ, सच में पैकिंग करने के मामले में ऐसे ना मैं लेज़ी हो जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि सिर्फ 25 kg जा रहा है, तो पता नहीं चल रहा है कि क्या रखूँ क्या ना रखूँ, तो हैंड बैग में भी 7-8 किलो जाएगा। तो 1 महीने के लिए तो बट सही है इतने कपड़े, बट फिर भी ऐसे होता है ना कि कई बार ऐसे लगता है कि ये चीज़ लेके जाए, ये चीज़ लेके जाए, ऐसे लेके जाए, काश मैं अपनी पूरी अलमारी लेके जा सकता सी। चलो कर दें पैकिंग, एंड वी कंटिन्यू द व्लॉग टुमारो व्हेन आई गेट टू द एयरपोर्ट। अभी मैं पहुंच गया हूं डोहा एयरपोर्ट में। इधर मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि चेकिंग कर रहे थे, सो मैंने अलग बैग में और चीज़ें रख दी, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा चेकिंग होगा। और अभी मेरी नीता के साथ बात हुई थी मैसेजेस पे, क्योंकि फ़ोन तो नहीं लग रहा है, कनेक्शन थोड़ा कम है वाईफाई की वजह से, बट मुझे जो एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस हो रहा है ना, जैसे सच में मैं एक चीज़ सोच रहा था, हम इतनी बार मिले, इतनी बार जैसे दूर गए एक दूसरे से, ये सबसे ज़्यादा लंबा गैप है हमारा। सो 3 महीने बाद मिल रहे हैं तो अलग ही फील हो रहा है उसको भी, वो भी इतनी एक्साइटेड है, मैं भी उतना एक्साइटेड हूँ। सो सच में रब करे हमेशा ऐसे ही हम एक्साइटेड रहे और ऐसे ही हमें लगे, क्योंकि रिलेशनशिप में मज़ा ही क्या जब ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती है। सो थैंक गॉड फॉर दिस फीलिंग, एंड चलो जाते हैं मुंबई। सो अभी मेरा 2-3 घंटे का इधर स्टे है, जिसके बाद फिर मैं जाता हूँ। तो उधर तो मुझे, मैं रात को 2 बजे पहुँचूँगा, तो देखते हैं उधर जाके क्या होता है।
back with my tumli. Tumli. Tumli mere liye ek surprise hai. Kya surprise hai? Tu soch kya ho sakta hai? Are yaar. To get me, Sanika's here. So Sanika khud ko bhi dikhayegi. Rutuja's here, Ankita's here. And ye dekhiye, aaj ka jo surprise hai. गाड़ी तो तुम्हारी हमेशा मत करो। नहीं ये कौन सी है देखो आगे से जाने जाओ। रेंज रोवर। इट्स लैंड रोवर। लैंड रोवर। इज दैट हाउ वी मूविंग? यस इज दैट हाउ वी मूविंग? एक्चुअली बुक मी फ्लावर्स एज वेल वेरी रोमांटिक ऑफ नीता टू ब्रिंग मी फ्लावर्स। डिड यू मिस मी? यस। नहीं ये फ्लावर्स एक्चुअली मेरे घर पे ही जाने वाले हैं तो वो ज़्यादा खुशी है क्योंकि लेके बैठना इसको अभी गर्म ऐसे हो रहा है। चलो लुक हाउ ब्यूटीफुल हर किचन इज। ये किचन का काम किया है। और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ सबको कि अभी ना घर में इतनी ज़्यादा सफाई की है नीता ने और सब ने सानिका ऋतुजा सब ने फैमिली मम्मी डैडी ने इतनी ज़्यादा सफाई की है। माय बुगली वुड यू से यू गेव मी the best treatment always did you miss me obviously mujhe aisa hai ki tumhe fir comfortable ho aur tum yahan pe ho to tumhe acha lage. Thank you so much. Did you miss me? Yes. How much did you miss me? Very lovely. So abhi 3-4 बज गए सुबह के और अभी नीता चार बज गए सुबह के एंड अभी मेरे लिए चाय बना रही है। मुझे भी पीनी है। नहीं एक्चुअली मुझे पीनी थी मैं मम्मी को बोलने वाली थी 11 बजे पीनी है बट मुझे पता था चिन्ना भी पीता है पिएगा ही आने के बाद इसलिए मैंने सोचा। So all I want to say is this was a very long journey but I'm seeing Nita after ages and we will spend quality time together. Na? अभी तो हमें मजा आएगा। I love you. I love you too. Thank you for watching this vlog and I will keep you updated. Mumbai mein jo jo karenge hum sab kuch record karenge so stay tuned. Yeah, if you want to say anything in the ending. Yeah, hum abhi iske baad Pune bhi jane wale guys so stay tuned. Bahut sari cheeze aane wali hai aur aaj jaise hum logo ne bahut time ke baad mile to bahut acha lag raha hai. Chalo acha lagta hai.